वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिया में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप में से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर बताइए कि अभी जो है सो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो कोविड चल रहा है इसमें कौन कौन से एग्जाम को जो है सो रद्द कर दिया गया है। तो मैं आप लोग को पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम को यहाँ पे पोस्टपोनड यानी कि रद्द कर दिया गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम होने वाला था उसे भी यहाँ पे पोस्टपोनड कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे बीपीएससी 66वां कम्बाइंड मेंस का जो एग्जाम होने वाला था उसे भी यहाँ पे पोस्टपोनड कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एसएससी सीजीएल जो होता है उसे भी पोस्टपोनड कर दिया गया, उसका भी एग्जाम पोस्टपोनड कर दिया गया है यानी रद्द कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल 10+2 सीबीई टायर 1 का जो एग्जाम होने वाला था उसे भी पोस्टपोनड कर दिया गया है। ओके, उसके बाद 2021 में जो भी स्टूडेंट मैट्रिक या इंटर में फेल किए थे वो सोचे कि मैं कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे के पास हो जाऊँ। ओके, तो इस एग्जाम को भी पोस्टपोनड कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कब इसका फिर से एग्जाम लिया जाता है। ओके, उसके बाद जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स बीपीएससी ऑडिटर प्री एग्जाम जो होने वाला था उसे भी पोस्टपोनड कर दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला था 12th का उसे भी पोस्टपोनड कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब जो है सो मैं आप लोग को बता दिया कि कौन कौन से एग्जाम यहाँ पे कोविड को देखते हुए जो है सो कैंसिल किया गया यानी कि पोस्टपोनड कर दिया गया। ओके, अगर आप लोग को मेरी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि कौन कौन से एग्जाम यहाँ पे पोस्टपोनड कर दिया गया यानी कि रद्द कर दिया गया। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।